नया लड़का राघव नैयर वो लॉन्च हो रहा है, इसमें हीरोइन है वो भी नई लड़की है शिप्रा। फिल्म के डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, बड़े बेहतरीन डायरेक्टर हैं, उनका नाम है प्रिमांशु जी, प्रिमांशु सिंह। प्रोड्यूसर इसके रमेश नैयर साहब हैं, और बड़ी कमाल की फिल्म बन रही है। इसमें मेरा रोल आप लोगों को बहुत मज़ेदार दिखेगा, कमाल की हंसी दी है मैंने, हंसा हंसा के लोगों को पागल कर दिया। अवधेश मिश्रा हैं इसमें गेस्ट अपीयरेंस में, रजा मुराद साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, रंजीत साहब, संभावना सेठ, सारा खान, ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ। आज हमारी शादी है और हमारी शादी में वो लोग हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। क्या हो गया, मैं अभी तो मैं शादी के लायक हुआ हूँ। हाँ, अभी मैं शादी, अभी तो हुई, आज पहले दिन शादी हुई मेरी। तब की शादी में, आपकी शादी में मज़ा आता है। तब की शादी में दुल्हन दुल्हन चुपके से घूंघट से शादी करते थे, अभी ओपन एकदम बैठ करके जयमाल होता है, सेलिब्रेट करते हैं, दुल्हन भी नाचती, दूल्हा भी नाचता है, बस यही फर्क है। पर आज इतने सारे स्टार कास्ट के साथ, मतलब किस तरह एक्सपीरियंस रहा है, जो शूट चल रहा है, कितनी मजा ले रहे हो? सर बहुत सीखने को मिला, हमारे स्टार इतने बड़े बड़े स्टारों को देखकर ये आज समझ में आया कि आखिर ये इतने बड़े स्टार क्यों हैं। कोई स्टारडम नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, शॉट लगा है, खड़े हो गए हैं, ये भी नहीं पूछते कि यार अभी आपका शॉट रेडी नहीं हुआ तो हमको बुला क्यों लिया। बहुत कुछ सीखा आज इन महान हस्तियों से हमने। पहली बार भोजपुरी में बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए, तो क्या कुछ सीखा? बहुत, देखिए मैंने जैसा कि बताया कि मुझे सबसे चीज़ सीखने को मिला कि सारे एक्टर हम्बल हैं, जिनको देखकर मैं बड़ा हुआ। प्रेम चोपड़ा साहब, रजा मुराद साहब, रंजीत साहब, इन लोगों को देख करके बड़ा हुआ, इनको देख करके कलाकार बनने का सपना आया। आज इनके साथ जब काम कर रहा हूँ तो इन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और मैं अभी एक छोटा सा स्टार हूँ। देखिए तो प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होता है। अभी हमारा खर्चा बढ़ रहा है, हमारा बजट बढ़ रहा है, जो टैग लोग लगाते थे कि अश्लीलता है, ये है, वो है, हम लोग उसको सारी कमियां दूर कर रहे हैं। अभी नए दौर का सिनेमा देखिए, ना उसमें कोई अश्लीलता है, ना कोई गंदगी है, तो परिवर्तन तो हो रहा है। सबसे बेहतरीन कौन लगा आपको? आप देखिए, इस तो चूज़ करना मुश्किल है, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ, मुझे सब बहुत प्यारे लगे, हाथों हाथ लिया। सुनील पाल, एहसान कुरैशी, संभावना तो मेरी जान है, बहुत हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, वो तो सेट पे आ जाती है तो हम मस्त हो जाते हैं एकदम खुशी के मारे। तो मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरे सारे सेलिब्रिटी जितने जिनके साथ मैं आज काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम। सर होली आ रही है, तो होली में किस तरह आप अपने फैमिली के साथ मनाने वाले हैं, क्या है? होली शायद मैं सेट पे मनाऊंगा, इस बार शूटिंग है, और अगर सेट पे नहीं रहा तो अपने बीवी बच्चों के साथ मनाऊंगा। होली में अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि रंग लगाइएगा लेकिन बचाकर, और अच्छे से होली मनाइए, खुशियाँ मनाइए, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और एंजॉय करिए। थैंक यू। आपने ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि आज एक फिल्म हल्फा मचा दे, इसके एक सॉन्ग के पिक्चराइजेशन में चंद सेलिब्रिटीज आए हैं, जिसमें प्रेम चोपड़ा जी हैं, रंजीत साहब हैं, रजा मुराद जी हैं, मैं हूँ, सुनील जी हैं, और भी बड़े कॉमेडियंस हैं, मतलब चंद सेलिब्रिटीज़ के बीच में मैं भी हूँ। विलेंस खास करके जो तीन विलेंस हिंदी से लाए गए हैं, प्रेम चोपड़ा साहब अपने ज़माने के बड़े लीजेंड रहे हैं, रंजीत साहब, रजा मुराद साहब, भोजपुरी से मुझे लिया गया है, तो इट्स प्राउड फॉर आवर इंडस्ट्री। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, एक भोजपुरी फिल्म में ही सही, लेकिन इस तरह के गाने का पिक्चराइजेशन मुझे नहीं लगता है कि कभी हुआ और रहेगा, कि एक किसी ऐसे सिचुएशन में जहाँ सॉन्ग्स हो रहे हैं और उस बीच में सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अल्फा मचादेव के बारे में बताना क्या है, अपने आप में अल्फा मचादेव नाम ही है कि जहाँ जाओ उधर अल्फा मचा दो। फिल्म बड़ी अच्छी बनी है, प्रिमांशु जी इसके निर्देशक हैं, रमेश नैयर जी प्रोड्यूसर हैं, हीरो उनका लड़का है, तो फिल्म तो बड़ी अच्छी बनी है। आज गाने के पिक्चराइजेशन देख करके मुझे लग रहा है कि ये शायद अपने आप में पहला ऐसा भोजपुरी में है कि इवेंट हो रहा है जिसमें एक साथ इतने तमाम लोग स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। अच्छा है, मैंने रंजीत साहब के साथ पहले भी काम किया है, रजा जी के साथ भी बहुत काम किया, प्रेम चोपड़ा जी के साथ मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर किया है, तो अच्छा लग रहा है, खुशी तो है ही। देखिए वो लोग जहां आज मैं हूं, वो लोग इस जगह को कब का पार कर चुके हैं,
आज मैं एज ए विलन, एज एन एक्टर जहाँ हूँ, ये लोग लीजेंड पर्सनालिटी, इनके बारे में इनकी तारीफ करके इनके कद को छोटा करना नहीं चाहता हूँ, चूँकि तारीफ से परे हैं ये सब। इन लोगों ने जो कर दिया है वो सोच पाना ही आज के युग में बड़ा मुश्किल है। खास करके प्रेम चोपड़ा जी के बारे में कहूँ कि उन्होंने कभी जीवन में गेटअप शायद बहुत कम लिया है, दो चार फिल्मों में मैं देखा हूँ गेटअप लिया है। आज मैं खुद ही छेड़ा गया हूँ मॉडल्स के द्वारा, क्योंकि इतने मॉडल्स के बीच में मैं बड़ा बच्चा सा हो गया हूँ। मुझे लग रहा है कि आज मैं सबसे शरीफ इंसान हो गया हूँ, मुझे ही लोग छेड़ रहे हैं, मैं किसी को नहीं छेड़ रहा। हाँ, तो ये टीका इसलिए है कि मैं अवधेश मिश्रा बन के यहाँ पर आया हूँ, तो अवधेश मिश्रा जो है आम जीवन में कैसे रहते हैं वही अवधेश मिश्रा है, कोई किरदार तो निभा नहीं रहा हूँ। आज अपना ओरिजिनल व्यक्तित्व के साथ यहाँ पर आया हूँ, इसलिए टीका है। और जैसे मैं जीवन में जीता हूँ, हल्का सा कोट है, जीन्स है, शर्ट है। इंग्लिश क्या, मैं दुनिया के किसी भी भाषा की फिल्मों में काम कर सकता हूँ, बस ऑफर्स आ जाए तगड़े। कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि आप भोजपुरी के प्रेम चोपड़ा हैं, आपका लुक सिमिलर नहीं, अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, कभी कोई प्रेम चोपड़ा, कभी अमरीश पुरी, बट ये नाम उन लोग की मोहब्बत है जो ऐसा बुलाते हैं। मेरी चाहत तो ये है कि अदर इंडस्ट्री में ये बोला जाए कि ये फलाना इंडस्ट्री का अवधेश मिश्रा है। तो बस हमारी तो कोशिश, हम तो बच्चे हैं अभी, समझिए कि अभिनय की दुनिया के बहुत छोटे से बच्चे हैं, जहाँ अभी शुरुआत कदम। भोजपुरी में भले ही नंबर ऑफ़ फिल्म्स 300 हो गए होंगे, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि गर्भगृह में ही अभी हमें बाहर निकले नहीं हैं। जब बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, जहाँ प्रेम चोपड़ा जी जैसे, रंजीत साहब जैसे, रजा जी जैसे लेजेंड लोग हैं। काम करने को तो मैंने अमित जी के साथ भी किया है गंगा में, लेकिन लगता है कि हम लोग बहुत दूरी अभी बहुत तय करनी है, अभी तो चलना शुरू किए हैं बस। बड़े टैलेंटेड दिख रहे हैं मुझे, बड़े अच्छे डांसर, कमाल के एक्टर तो हैं, उनके मैंने कुछ रशेज देखे हैं, बहुत अच्छे अभिनेता हैं और एक अच्छे पिता के पुत्र हैं, जो पिता सक्षम है उनको लेकर के फिल्म बनाने में। तो आज इस फिल्म के जरिए उनका करियर भी जुड़ा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि उनका करियर निश्चित तौर पे उठान पे आएगा। थैंक यू। ये फिल्म का नाम है हल्फा मचा के ग्रिल। इसमें अपने बेटे को और एक शिप्रा लड़की को लॉन्च कर रहा हूँ, और ये भोजपुरी मूवी है, भोजपुरी कॉमेडी पारिवारिक मूवी है, और एक शादी का गाने का शूट कर रहे हैं। तो हमने इसमें प्रयास किया कि कुछ सेलिब्रिटीज़ को डाल के एक अच्छा बनाने की कोशिश की। ये आइडिया मेरा देते ओम शांति, में शाहरुख खान ने डाला था। अब शाहरुख खान तो किसी को भी फ़ोन करेगा वो आ जाएंगे, तो हमारी जितनी पहुंच है हमने उस हिसाब से थोड़ा कोशिश करी कि भोजपुरी के हिसाब से थोड़ा रिचनेस और एक अच्छा प्रोडक्ट बनाए जो पब्लिक को देखने को मिले। नहीं, आपके लिए फ्लॉप होंगे, मेरे लिए फ्लॉप नहीं है। अच्छा, टॉप फ्लॉप बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, आज भी थोड़ी हिंदी फिल्मों से 8-10 साल पीछे है, तो उनके लिए मासिस चलता है, तो आज भी वो मासिस के चलते। तो मैंने एक आइडिया था कि कुछ आइटम डांसर डालो, कुछ कॉमेडी डालो, कुछ विलेंस को डालो कि लोग जिसको रिकॉग्नाइज करें वो थोड़ा अच्छा लगे। तो मेरे आइडिया में थे प्रेम जी से हमारे पारिवारिक मित्र, रंजीत से पारिवारिक मित्र, राजा जी मेरे साथ शोज करते रहते सब, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करी। वैसे उन्होंने कभी भोजपुरी किया नहीं, मैंने कहा तो मेरे को मना नहीं कर पाए। तो ये आइडिया फिर करते करते मैं डायरेक्टर को सुझाव दिया, फिर इसको अच्छी रूपरेखा आपके सामने दी गई। देखो ये प्रोड्यूसर्स के ऊपर है, हम अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी भी प्रोड्यूसर अच्छा बनाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री और आगे जाएगी। देखो मेरे को बाकी का तो नहीं पता, मेरी हीरोइन देख लो, और मैंने एक अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश की है, और अब आगे देखते हैं क्या होता है। जी मैडम, बॉलीवुड के लिए रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, भोजपुरी रिलीज़ करने की हिम्मत रखता हूँ। ये अच्छा पिक्चर बनाना बहुत आसान है, रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, मेरी पिक्चर देखिए, बस सिनेमा हॉल जाइए, और आपकी दुआएं चाहिए।